अच्छा आप कुछ कॉन्सर्ट क्या बता रहे थे मुझे? वो क्या होता है कि नॉर्मली ना क्या हुआ है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे आप समटाइम्स कभी, मैं जब स्टार्ट में ना बड़ा आई वाज लाइक यार ये ना हिस्ट्री में होना चाहिए कि बिलाल सिद्ध ऐसा आर्टिस्ट है जो टाइम पे पहुंचता है, अगर मुझे टाइम दिए 8 बजे का तो मैं 8 बजे उधर होना चाहिए। तो मुझे अभी से समझ आ गया। हाँ तो एक दो कॉन्सर्ट्स में ऐसा हुआ, मैं ना सबसे पहले ही पहुँच गया। अब जैसे ही मैं आया ना तो चक 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 तस्वीरों ने मुझे बैक से उठा दिया। अब शो अभी शुरू ही हुआ था, वो 2 घंटे मुझे देख देख के ना वहाँ पे लोग वैसे ही उनका दिल ही भर गया। मैंने कहा ही बिलाल सिद्ध, I felt like, और फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यकीन मानो कि I'm sure कि कोई अगर प्रमोटर देख रहा होगा तो कहेगा अच्छा, तो सारे ही करते हैं। समटाइम्स ये होता है जब कॉलेज टूर्स होते हैं ना तो अर्ली हमें जाना होता है कि 9 बजे उठ के, बिकॉज 3 घंटे की ट्रैवलिंग है, तो पहला शो जो है वो 1-1.5 बजे तक अपने स्टेज पर होना है, तो हम लोग 9 बजे तक निकलते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि वो पूछते हैं हाँ जी कितने, जी बस 1 घंटे में पहुंच गए हम, तो बेसिकली हम घर से भी नहीं चले होते हैं। सो वी जस्ट अभी बैंड रेडी हो रहा है, निकल रहे हैं ना। तो इसी तरह का एक जिक्र है कि एक बार ना हम मुल्तान में शो कर रहे थे, मी एंड अली जफर, वी वर डूइंग दिस टूर। अब मुझे नहीं पता व्हाई ही गॉट लेट, प्रॉबेबली वाकई गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ हो, लेकिन ऐसी बातें तो मैं भी बात करता हूँ कि टायर पंक्चर हो गया था, ऐसी नहीं पड़ी, लेकिन शायद उस दिन वाकई हुआ। लेट्स जस्ट असूम के हुआ था, सही है। तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो 45 मिनट्स की थी। अब पता चला कि अली भाई अभी नहीं पहुँचे और मुझे उन्होंने आके कहा कि आप लगे रहे, लगे रहे। तो मैंने लगा रहे, मैं 15 मिनट और कर दिया, एक घंटा जब हुआ तो मैंने कहा जी नहीं जी कोई चक्कर नहीं, मैंने कहा बस आप ही। यार मैंने तकरीबन 2.25 घंटे परफॉर्म किया और उसके बाद बिल्कुल एंड पे वाली पहुंच गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। अच्छा आपका अगला कॉन्सर्ट कब है और कहाँ है? यार आपको मेरे शो पे आना चाहिए, मैं तभी तो पूछ रहा था। अच्छा, अभी लास्ट अभी मेरे ख्याल में 16th को था, इधर सुपीरियर में था, और अभी कुछ दिन पहले। आई वांट टू कम ऑन योर शो एंड आई वांट टू डू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, आई वांट लाइक डू समथिंग फॉर द व्लॉग ओवर देयर एंड आई थिंक पीपल आर गोना लव इट। हां, यू शुड गो विद मी लाइक राइट फ्रॉम द घर से तैयार होते हैं। हां, लिटरली वी गो ओवर देयर। हां हाँ करते हैं। अच्छा वो तुम्हें बड़ी मजेदार बात तो मुझे याद आ गई शो से। बेसिकली ना मेरा रहीम जहाँ से बिलोंग करता है ना, परदेसी, तो परदेसी जब पाकिस्तान आया तो मिले तो बड़ी अच्छी माई दोस्ती होगी। तो मैंने एक शो था, मैं तो इसमें मुझे पता चला ये वहाँ से बिलोंग करता है, मैंने कहा लेट्स गो इकट्ठे चलते हैं ना, तू भी चल मेरे साथ, स्टेज पर लेके जाऊँगा, दूंगा ना ऑल दैट। सो ही केम विद मी। अच्छा वो यूनिवर्सिटी का शो था यार, यकीन मानो हम गए वहाँ पे कम अज़ कम 20,000 लोग होंगे, ठीक है। अब मैंने देखा बहुत बड़ा स्टेज था। अब मैंने रहीम को बोला, मैंने कहा इधर ही गाड़ी पीछे हमने रिवर्स करके खड़ी की, बिकॉज नॉर्मली पाकिस्तान की जो फैंस हैं वो इतने पैशनेट होते हैं ना, बहुत सारे टाइम हमें भागना पड़ता है, वी लिटरली रन एंड जस्ट डाइव इन द कार एंड देन ग्रुंग निकलना पड़ता है वहाँ से। सॉरी मेरा माइक उधर था तो आई थिंक हाफ ऑफ द स्टोरी तो उनको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन चले खैर नहीं आगे होगी। कट द स्टोरी शॉर्ट, होता ही है कि मैं और रहीम गाड़ी में रेडी है कि बिलाल मुझे बुलाएगा। मैं स्टेज पे गया यार, इतनी दुनिया, और मैं देख रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी वाले कोई 20-25 लोग हैं ना, उनको ऐसे कर रहे हैं ऐसे पीछे, और हर एक मिनट बाद वो एक स्टेप पीछे आ रहे हैं, हर एक मिनट बाद एक स्टेप पीछे आ रहे हैं एंड आई कैलकुलेटेड इन माई हेड के अच्छा मैक्सिमम 3 गाने इससे आगे ही इनको नहीं रोक नहीं पाएंगे। अच्छा रहीम गाड़ी में बैठा हुआ है ना कि मैं उसको बुलाने वाला हूँ स्टेज पे। इतने में क्या होता है, जैसे तीसरा वो प्रिंसिपल मेरे पास आया यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगती है मुझे स्टेज छोड़ना पड़े। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है मैं इतना ऑल द वे आया हूँ, अभी ये मेरे सामने है, दिस इज़ रियली अनफेयर कि कुछ लोग जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उनकी वजह से मैं बगैर परफॉर्म करे चला जाऊँ ना। तो मुझे प्रिंसिपल ने आके बोला, उसने कहा इस गाने के बाद बस कर दें, नहीं हो पाएगा, बिकॉज देखें कर बेसिकली वो कोई मुझे मारना तो चाहते नहीं है। हाँ। लेकिन अगर 10,000 लोग सेल्फी लेने आपके पास आ जाएं तो आपके कपड़े वपड़े तो नहीं रहेंगे कम से कम। अब होता ही रहीम बैठा है गाड़ी में वेट कर रहा है, इतने में वो सामने से देखता मैं भागता हूँ घुटस गाड़ी में, भगा गाड़ी निकल पीछे मुझे क्या हुआ। मैंने कहा भाई उधर कोई चक्कर नहीं था, उन्होंने मुझे प्रिंसिपल ने खुद ही कह दिया कि 3 गाने अपने ये तीसरे गाने के बाद ना स्टेज छोड़ दे, ऐसे भी वाकया तो होते हैं समटाइम्स।
अच्छा अगर आप कभी परफॉर्म कर रहे हो, वैसे नहीं इन जनरल, अगर आपको एक क्राउड मिले जो कि कम्प्लीटली लड़कों से भरा हुआ हो और एक क्राउड मिले जो लड़कियों से भरा हुआ, आप किस में जाके परफॉर्म करेंगे नोइंग दैट यू आर अ मैरिड गाय विद अ किड? ये तो कोई सवाल ही नहीं, ऑफ कोर्स लड़कियों में जाके परफॉर्म करेंगे, उसकी वजह क्या है? दैट वाज द पॉडकास्ट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. मतलब इसमें इतनी क्या हैरानगी वाली बात है. मैंने प्रैक्टिकली ऐसे शोज में परफॉर्म किया है जहाँ पे 5,000 लड़कियां और फिर 5,000 लड़के. सही है. तो लड़कियों में ऐसा क्या है जो लड़कों में नहीं है बिलाल भाई? लड़कियों के शो में क्या होता है कि आपको एफर्ट कम लगानी पड़ती है एंड दे एक्चुअली इंजॉय विदाउट फाइटिंग विद ईच अदर. आपको हार्डली मिलेगा कि किसी कुड़ी ने कुड़ी का सिर पाटता होता है. आपको हार्डली मिलेगा कि यार बाहर टपके आ गई ने, बाहर दी कुड़ियाँ आ गई ने, है ना? आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, आप हार्डली आपको ये चीज़ें मिलेंगी. लड़कों के शो में क्या होता है, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, बिकॉज मेरा जो म्यूज़िक है दैट्स विद इन द यूथ राइट नाउ, तो वो उनका म्यूज़िक है, दे एंजॉय इट. मुझे इतना टफ टाइम नहीं मिलता. आई हैव सीन अदर आर्टिस्ट कि वो कह रहे होते हैं यार, क्योंकि मुंडे हुटिंग कर देने, बिकॉज लुक जब 8-10-15-20 लड़के इकट्ठे होते हैं ना, वो फिर शेयर, वो आपसे बड़े स्टार हैं उस वक्त. आप समझ रहे हैं, बिकॉज वो अपनी एक उसमें आए होते हैं, अपनी एक जोन में आए होते हैं ना. उनको कंट्रोल करना सिर्फ इस वजह से कि बदमाशी ज़्यादा होती है. यू विल ऑलवेज सी देम फाइटिंग, हमेशा. जो सिर्फ लड़कों का शो होगा ना, कहीं पीछे आपको पता होगा सारे लोग उधर भाग के जा रहे हैं. पहले क्या होता था, हाँ पहले क्या होता था कि मैं ना माइक पे कभी बोल देता था एक्सक्यूज मी यार प्लीज डोंट फाइट, आई लीव द स्टेज. अब जब वो लड़े होते ना साइड पे, मैं देखता ही नहीं उधर, मैं इधर ही सारा परफॉर्म कर रहा हूं, लाइक आई एम हैप्पी. तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जो आपके सुनने वाले हैं उन सबको, स्पेशली जो लड़के हैं, कि देखो यार कभी ऐसा हो कि लड़के गली की नुक्कड़ पे खड़े होकर फजूल में गप्पे ना मार रहे हों, आते जाते लोग उनकी वजह से परेशान ना हो. कभी ऐसा हो कि जब लड़का भी घर से निकले तो पेरेंट्स उससे पूछे कि कहाँ जा रहे हो और कितने बजे आओगे. कभी ऐसा हो कि उनका भी चेक एंड बैलेंस हो, क्योंकि जब लड़के घर से निकलते हैं हमारे पेरेंट्स कभी नहीं सोचते. और सोचो तुम ये देखो, मैंने पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म किया, इंटीरियर सिंध तक जाके किया, जहाँ पर आपको सिर्फ भुट्टो के वो नज़र आते हैं, बड़े बड़े उनके पीपल्स पार्टी के लगे हुए बैनर्स, कोई दूसरी चीज़ नहीं है. वहाँ तक जब मैंने जाके देखे कि लड़कियाँ क्यों इतना अच्छा क्राउड होती हैं और लड़के क्यों हर जगह अच्छे क्राउड नहीं होते, उसकी वजह ये कि हमारे अपने ही घर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है. लड़की जब घर से निकलती है उसका चेक एंड बैलेंस होता है, कब किधर किसके घर जा रही है, उसको लेने को जाता है, छोड़ने को जाता है, यू नो व्हाट आई मीन. तो मैं मैसेज ही देना चाहता हूँ कि हम पे एक रिस्पॉन्स, अब कम ऑन यार, जस्ट दैट्स इट, हो गया जो होना था. अब हमें एज अ यूथ आगे निकल कर अपने मुल्क के इम्प्रेशन को ठीक करना है, बिकॉज हम लोग एम्बेसडर हैं इस कंट्री के. आप जब अपने मुल्क से बाहर जाते हो, आप वहाँ पे जाके जो भी करते हो, लोग आपको सिर्फ नहीं कहेंगे, वो पूरे पाकिस्तान को आपके साथ बुरा कहेंगे. तो व्हेन आई वेंट टू इंडिया, तो दैट वाज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. तो मैं यहाँ से जाते हुए कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड की. मैंने कहा ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग की है मेरे पेरेंट्स ने, तो मुझे पता है, मतलब इज्जत देते हैं लोगों को और रिस्पेक्ट से सारा. पर जब मैं इंडिया जा रहा था ना, आई वाज एक्स्ट्रा केयरफुल कि यार मैं इंडिया जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी एक एक बात नोटिस होगी. हाँ, तो नॉर्मली मैं मानो के तीन दिन एक ही ट्राउजर शर्ट में रहता हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग म्यूजिक, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. और मुझे तैयार होना एक हेक्टिक लगता है, यानी जब मुझे कोई शाउट आउट देना पड़े या मुझे कहीं इंटरव्यू पर जाना पड़े ना, आई के यार यू नो व्हाट, अब उठना है. आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, आप हमारी वजह से ना आए, माजरत, बहुत माजरत. तुम लोग पर्सनली ले रहे हो, मैं तो जनरल बात कर रहा था. अच्छा तुम भी कह रहे थे मेरा फेस नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा मेरा फोन. वो देखो वो बिहाइंड द सीन यार, छवेरी क्या बात है. नहीं ये तो वो तो उससे लगाया था यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. मैं नहीं बोल रहा था, जब मैं तैयार होता हूं ना तो मेरा इवन जो फोन है वो भी मेरा फेस रिकॉग्नाइज करता. वो कहता है सारा वक्त तू मुला बना होता है, दाढ़ी बड़ी होती है. खैर कट द स्टोरी शॉर्ट, तो मैं इंडिया में था ना, तो मैं एक्स्ट्रा केयरफुल था कि यार, तो मैं डेली वहाँ पे उठता था ना, व्हेनेवर, जब मतलब मुझे जाके बाहर वो वड़ा पाव भी खाना था ना, तो मैं पूरा रेडी होके जाता था. इवन वो क्या नाम है इसका, एवलिन शर्मा थी और उसके साथ महाक्षय, वो मिथुन चक्रवर्ती का बेटा, उनकी फिल्म थी, तो हम उसका जो है ना प्रमोशनल टूर कर रहे थे. तो वो मुझे डेली देखता था ना, वो कहता था यार आप कोई
मतलब कोई ब्रांड एम्बेसडर लग रहे हैं मुझे इन सारे ब्रांड्स के, आप हर वक्त क्योंकि मैं वहाँ पे था एंड आई वाज लाइक दे नीड टू नो कि पाकिस्तानी बॉयज आर लाइक प्रॉपर मतलब बड़े पूरा गेम ऑन है भाई. लेकिन ये कि वो बताया ना वो आपके साथ क्या हुआ है जब आप इंडिया में हर सिटी में जाके चेक इन कराना पड़ता था आपको. यार वो एक प्रोसेस है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया आई थिंक, जो वहाँ से यहाँ आते हैं जो यहाँ से वहाँ जाते हैं. सो बेसिकली स्टार्ट में आपको वीज़ा देते हैं तो एवरी टाइम व्हेन आई एम चेंजिंग द सिटी आई एम सपोज टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट व्हेन आई एंटर द सिटी एंड व्हेन आई लीव द सिटी. सो एवरी डे मैं जैसे ही किसी शहर में एंटर होता था वो सारे चेक इन कर रहे होते थे, मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाता था. आपको करना पड़ता है. हाँ एक बार मैं भूल गया था रिपोर्टिंग करना और हुआ ये कि वो एक फिर उसकी एक अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी उसका था तो आई हैड टू गो टू द कोर्ट्स. तो वो हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे मैं और जो मेरा प्रोड्यूसर था मेरे साथ, हम दोनों उठे ऐसे ही हम बस कैजुअली वी जस्ट वॉकड इन एंड वी डिडंट रियलाइज कि हम पंजाब में हैं ना. पंजाब इज़ लाइक मेन जहाँ पे मेरी बड़ी अच्छी है. आई हैव अ लाइक ह्यूज फैन बेस इन इंडियन पंजाब एंड आई रियली लव देम गाइज, हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे. तो हम वहाँ पे चले गए और मैं जाके ना मुझे याद है वो समोसे कहीं बिक रहे थे, मैं गया समोसे खाने जैसे खुल गए होते वो साथ वो टाइपराइटर पे ना टाइप कर रहा था मेरा लेटर जो हमने सबमिट करना था. इतने में जैसे लोगों ने देखना शुरू उन्होंने बिलाल सईद और फिर उन्होंने वेरीफाई किया होगा कि हाँ मेरी सोशल मीडिया से कि मैं इंडिया में हूँ. यार वहाँ पे तो उन्होंने फोन ऑब्वियसली जिस तरह होता है ओए इतने बिलाल सईद आया जे तो वो सारे जमा हो गए. हूँ मैं बिल्कुल एक नुक्कर ते लगे तो समोसा मेरे हाथ च है तो मैं देख रहा लोग ठका ठक ठक सब वीडियोस पिक्चर्स ले रहे हैं और होता ही है कि मुझे मेरा प्रोड्यूसर कहता है यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं. मैंने कहा मैंने क्या बताना था यार, मैं आपको बताता यार आप सिक्योरिटी साथ देने. आपने कहना था अड्डा शोखा आया था इधर. Well, that was the podcast, guys. Thank you so much for watching.